असलम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि आप सब कैसे होंगे हाँ जी हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हम किधर स्टैंड करते हैं जैसे आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसमें मैं आपके साथ कुछ सिम्टम्स शेयर करूँगी आप अपने आप के साथ उसको रिलेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको उसका हल भी बताऊँगी कि किस तरह से आप उससे कोप कर सकते हैं सो so, ये जो चीज़ आज हम मैं डिस्कस करूँगी दैट इज़ इमोशनली एग्जॉस्टेड मतलब आप मेंटली इतने थक चुके हैं और आपको पता नहीं होता और उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आपको मेंटल ब्रेक की ज़रूरत है अभी इस वक्त जिसमें सबसे पहले आता है यू आर लूजिंग योर पेशेंस यानी एकदम गुस्से में आ जाना एकदम अप हो जाना Uh, लोगों को बातें सुना देना लोगों के साथ मीन्स बदतमीज़ी करना शुरू कर देना किसी की छोटी सी बात पे उसको बहुत ही खरी खरी सुना देना uh, ये एक मेन सिम्टम है इसका दूसरा है स्लीप प्रॉब्लम मतलब आपको सोने में बहुत दुश्वारी फेस करना पड़ी है। या तो आपको रात को नींद ही नहीं आती लेट आज तक आप सोचते रहते सोचते रहते और फिर ये होता है कि आप सुबह उठ नहीं पाते एनर्जेटिक नहीं होते नेक्स्ट मॉर्निंग या तो फिर आपके साथ मसला यह है कि आप सो तो जाते हैं लेकिन रात को एक एक घंटे बाद छोटी सी आवाज़ पे आप उठ जाते हैं और रात को कितनी दफ़ा उठते हैं या आपको रात को नींद ही नहीं आती ये तीन होती हैं चीज़ें इसको कहते हैं बोलते हैं इन सोमनिया ठीक है ये स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं दूसरा है यू आर इरीटेटेड मतलब आप इरीटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर आ, बच्चे ने कुछ चीज़ गिरा दी आप इरीटेट होंगे क्या मुझे सफाई करनी पड़ेगी या हस्बैंड ने कुछ बोल दिया आप इरीटेट होना शुरू हो जाते हैं या मेड ने कुछ कर दिया आप इरीटेट होना शुरू जाती हैं मतलब नागंवारी हर चीज़ में नागँवारी आपको फ़ील होती है कि ये क्यों हो गया इस तरह ये क्यों हो गया ये हमारे मुताबिक क्यों नहीं हुआ नेक्स्ट पॉइंट इज एनजाइटी एंड डिप्रेशन मतलब आपको फील होता है मैं बहुत डिप्रेसड हूँ मुझे एनजाइटी हो रही है आपको हमारे पशतों में कहते हैं जरूरत तंगी मतलब आपका दिल तंग होना शुरू हो जाता है आपका किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता नेक्स्ट है फीलिंग अनमोटिवेटेड मतलब आपको कुछ भी बोल दे कोई कि ये कर लो मैं जैसे होता है ना एक बंदा खुश हो जाता है आप खुश नहीं फील करते किसी भी कोई भी चीज़ आपको मोटिवेट नहीं करती कोई भी चीज़ आपको खुश नहीं करती फीलिंग डिटैच्ड मतलब आपको फील होता है कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं बिल्कुल अलोन हूँ और ये सारे लोग मतलब ही हैं इस टाइप की फीलिंग आना उसके बाद रोना मतलब बगैर किसी वजह के रोना आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आ जाए ये जो सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई ये सेवन पॉइंट्स हैं और मैं शायद इनके बारे में पहले बात कर चुकी हूँ आज मैं आपको इसके सोल्यूशन बताऊँगी मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ यू आर लूजिंग योर पेशेंस बेसब्रे होना एकदम उस समय आ जाना स्लीप प्रॉब्लम्स यू आर इरीटेटेड एकदम किसी चीज़ का जो है ना आप कहते हैं ना कि आपको समझना है कि मैं इसको इस करूं क्या एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन फीलिंग अनमोटिवेटेड या डीमोटिवेटेड फीलिंग डिटैच और यू क्राई आउट easily इन द ब्लू यू क्राई आउट ऑफ द ब्लू ठीक है ये जो सात सिम्टम्स हैं ना ये इंडिकेट करते हैं कि आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं आप बहुत थक चुके हैं और आपको एक मेंटल ब्रेक की ज़रूरत है अब मैं आपको बताऊंगी ये सारे पॉइंट्स जो मैंने जल्दी जल्दी डिस्कस किए हैं कि सिर्फ आइडेंटिफाई करने और उसके बाद हम बात करेंगे कि इस सारी चीज़ों से निकलना किस तरह से आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि ये प्रॉब्लम है मुझे लेकिन उससे निकलना भी तो है ना उसमें रहना तो नहीं है तो निकलना किस तरह है तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी मेंटली एग्जर्शन से निकलने का पहला स्टेप है टू टेक फुल नाइट स्लीप किस तरह आपने अपना फ़ोन बंद कर दिया रात को 10 बजे आप कोशिश करें कि आप अपने बेड पे चली जाएं बच्चे चले जाते हैं सारे दिन खेलते रहते हैं वो थके होते हैं वो सो जाते हैं आप अपने बेड पे चली गई आपने कोई बात नहीं 10 मिनट आप अपना फोन स्क्रॉल कर लें उसके बाद फोन को एरोप्लेन मोड पे रख के साइड मुझे फील होता है फोन इज आजकल जो मेन प्रॉब्लम्स है ना लोगों के साथ वो फोन एंड टीवी होता है तो जब आप अपना फोन ऑफ करके साइड टेबल पे रख देंगी और उसके बाद आप ट्राई करेंगी सोने का तो आपको नींद आ जाती है और माइंड आपको अगर नींद ऐसे है कि नहीं आ रही तो आप सुरते पढ़ना शुरू कर दें आप आयते पढ़ना शुरू कर दें आपको आराम आराम सुकून से नींद आना शुरू हो जाएगी आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें तो ये होगा कि आप ना अपने माइंड से कोशिश करें कि जो सारे ख्याल हैं उनको बाहर निकाल दें उनकी तरफ मत सोचें और सो जाएं और जब आप सो के दूसरे दिन अच्छी खासी नींद पूरी करके उठेंगे तो आपको बहुत फ्रेश फ़ील होगा जब आपको फ्रेश फील होगा जब नींद पूरी नहीं होती ना नेक्स्ट डे आप बहुत चिड़चिड़े हुए होते हैं ये बात याद रखिएगा तो नींद बहुत ज़रूरी है मेंटल एग्जर्शन एक, से बाहर निकलने के लिए नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्टी क्या होता है कपड़ों के ढेर जमा है और हमारा दिल ही नहीं चाह रहा कपड़े धोने का घर गंदा है हमारा दिल नहीं चाह रहा घर साफ करने का वॉक करने का दिल नहीं चाह रहा सुबह मैं लेट उठ रही हूँ क्योंकि मैं रात को सोई नहीं थी रात को मैं लेट सो रही हूँ क्योंकि मैं सुबह बहुत लेट उठी थी देखिए अपनी रूटीन्स बनाएंगी तभी आप ना मेंटली एग्जॉस्ट नहीं होंगी सुबह अर्ली उठें एक चार दिन लगेंगे सीरियसली चार दिन लगेंगे बड़ा मुश्किल लगेगा सुबह के पाँच बजे उठना उसके बाद सीरियसली मैं आपको एक बात हूँ अगर आपको नॉर्मली आप उठते हैं छः बजे बच्चों को जगाने के लिए आप पाँच बजे उठें अपने आप को एक मी टाइम दिए एक फ्रेश टाइम दें अपने आप उठे, को उठें प्यारा समूह हाथ धोए अपने स्किन को पंद्रह मिनट की एक पे अच्छी सी यू you नो know, क्रीम्स लगाएं अपने फेस पे मसाज करें जाएं किचन में नीम गर्म पानी पिए लेमन वाटर पी लें कॉफ़ी पी लें व आई डू एवरी डे उसके बाद ये है कि

जो है उसमें चेक कर लेतीन बनाए रात को मैंने शाम को वॉक करने जाना है मैंने बिल सैटरडे वाले दिन अपने ऑनलाइन पे कर देने हैं मैंने चीजों को बर्डनाइज नहीं करना मैं अपनी रूटीन डिवेलप करूंगी उससे होता क्या है कि जब आपकी रूटीन डिवेलप हो जाती है ना तब आपको एक मेंटल ब्रेक मिलती है आपको अपने लिए टाइम मिलता है आपको अपने बच्चों के लिए टाइम मिलता है आपको अपनी जिंदगी के लिए टाइम मिलता है भागम दौड़ वाली जिंदगी से ना निकल आए प्लीज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोनोटास्क बहुत से लोग मल्टी करते हैं मल्टी क्या होती है कि एक वक्त में तीन चार काम कर लेना देखिए वो चीज़ आपको मेंटली एंड फिजिकली दोनों एग्जॉस्ट करती है और फिर क्या होता है कि आप चिड़चिड़े हुए हुए होते हैं वही सारे जो सिम्टम्स मैंने आपको बताया ना है Uh, इधर मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ उधर मैं वैक्यूम भी कर रही हूँ उधर मैं जाके बर्तन भी धो रही हूँ उधर मुझे कपड़े भी मैंने मशीन लगाई हुई है एक मंडे वाले दिन मैंने दुनिया जहाँ के काम अपने सर पर लगाए हुए क्योंकि संडे वाले दिन मैंने रेस्ट करना था मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी बच्चों की छुट्टी थी तो मुझे मैं क्यों करूँ या uh, मैंने ये सारे काम पेंडिंग इस दिन के लिए छोड़े हुए थे देखिए मैं एक बात बताऊँ एक वक्त में मोनो टास्किंग किया करें मोनो मतलब एक काम एक वक्त में मैंने सीरियसली अपनी जो इवन मैंने अपने डेज बांटे हुए किस तरह मैं एक दिन अपने एक कमरे को देती हूँ जैसे मेरा बेडरूम है उसको मैं एक दिन देती हूँ उसकी मैं डस्टिंग भी उसी दिन करती हूँ उसकी मैं डीप क्लीनिंग भी उसी दिन करती हूँ और उसका वॉशरूम भी मैं उसी दिन धोती हूँ क्योंकि इतना तो गंदा आप लोग नहीं करते हम नहीं करते घर हाँ लिविंग एरिया ये है कि ये डेली साफ़ होता है वो भी मैं देखती हूँ कि अच्छा मिट्टी मिट्टी नहीं है तो फिर इसको अभी आज पोचे वोचे की जरूरत नहीं है इसको पछाड़ा नहीं मारना आज इसको वैक्यूम नहीं करना डस्टिंग देख लेती हूँ अच्छा ठीक है अगर आज डस्टिंग की नीड है तो मैं आज डस्टिंग लेकिन ये नहीं है कि मैं एक ही दिन ये सारे काम लेके बैठ जाऊंगी कि मैंने सारे घर की सफाई सुबह उठते ही सफाई करना शुरू कर देना है अपने पूरे घर की और उसके बाद बस मैं ये देखती रहूँगी कि अच्छा जी अब तो मैं बच्चे आएंगे तो मैं बिल्कुल उनको खाने के लिए बैठी हुई होंगे कि जैसे एंटर होंगे तो मैं कहूँगी ये मत फैलाना ये नहीं फैलाना जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ अपने दिनों को बांट लिए एक दिन एक कमरे को दे दूसरे दिन दूसरे कमरे को दे तीसरे दिन तीसरे कमरे को दे और बच्चों को बोलें सुबह उठ के अपने बेड को सिमेट के जाए करें क्योंकि एक बेड सब जब से सह... जैसे ही बच्चे मेरे उठते हैं वो अपना बेड ठीक कर लेते हैं क्युं? क्यों क्योंकि ये आदत उनको बचपन से डाली गई है अगर आप अपना बेड सवेरे सवेरे उठे जैसे बेड से उठे ना आप जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन अगर जैसे मैं बेड से उठी मैं सबसे पहले अपने बेड के तक ये शक बेडशीट ठीक कर ली अपना बेड ठीक कर लिया आपका आधा टेंशन आधी टेंशन सिर्फ वहीं रिलीज हो जाती है स्किंग so, की जगह अगर आपसे हैंडल नहीं होता तो मोनोटास्क करें एक काम एक वक्त में करें ताकि आपको आपको ये जो जितने सिम्टम्स मैंने बताए थे वो ना हों और आपको एक मेंटल ब्रेक मिले हाँ जी नेक्स्ट पॉइंट इज गिव रेगुलर ब्रेक बिलीव मी ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये इतना वर्क करता है ना ये पॉइंट जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊं लोग जो है ना वो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये उसी से ही रिलेटेड है कामों पे लगे रहते हैं और उसके बाद काट खाने के लिए बैठे हुए होते हैं सारे मैं आपको बताऊं कि छोटी छोटी ब्रेक्स आपको कितना फ़ायदा देती हैं और टाइम पीरियड जैसे अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैंने ना अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जो है ना उसके अंदर की सारी चीज़ें सेट करनी थी और मैंने अपनी कबर ठीक करनी थी मैंने पहले ड्रेसिंग टेबल को सेट किया और मैंने अपने आप को टाइम दिया तकरीबन थर्टी मिनट्स का थर्टी मिनट्स से पहले ही मैंने वो टाइम क... और टाइमर लगाया था मैंने अपने फ़ोन पर बिलीव में मैंने टाइमर लगाया था थोड़ा सा अजीब सा लगता है ना कि अपने घर के काम के लिए टाइमर लगाओ मैंने टाइमर लगाया था उसको मैं देख नहीं रही थी बट मैं तेज़ी से अपने काम कर रही थी क्योंकि मुझे पता था इसके बाद मुझे ब्रेक मिलनी है मैंने अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल के अंदर सारी चीज़ें रख दी और उसके बाद मैंने ब्रेक ले ली तकरीबन आधे घंटे की जितना काम किया था आधे घंटे की ब्रेक ले ली आई मैं बैठी मैंने चाय बनाई मैं बैठी अपने हस्बैंड के साथ हमने बातें बातें की और उसके बाद ही वॉज़ लुकिंग एट मी कि क्या करी उस पर मैंने दोबारा से अपना ना टाइमर लगाया तकरीबन कोई पच्चीस मिनट का तो उन्होंने मुझे कहा कर, क्या करी मैंने कहा कर, देखना पच्चीस मिनट में मैं पूरी अपनी अलमारी ठीक कर दूँगी और मैं गई मैंने अपनी अलमारी की सारी चीज़ें पहले निकाली उसको बिल्कुल ठीक किया कपड़े हैंगरों में कर दिए बहुत एक मेरा सूटके है जिसमें मेरे फैंसी कपड़े थे उसको पहले छाना क्या चीज़ रखनी क्या नहीं रखनी वो सारे कपड़े सीरियसली 25 मिनट से पहले मैंने वो टास्क कंप्लीट करके अपने कमरे की डस्टिंग भी कर ली और फिर मेरा बेड वेड सारा ठीक मेरा बेडरूम ठीक सब कुछ ठीक क्या बीच में ब्रेक लेने से आपको मेंटल एग्जर्शन फिजिकल एग्जर्शन ख़त्म हो जाती है आपकी आप एक रिफ्रेश होके करते हो अब अगर यही काम मैं एक दफ़ा ड्रेसिंग करती और साथ में अपना अपना बेड करती फिर मैं अपना जो है ना अलमारी करती उसमें मुझे अगर एक सवा घंटा घंटा मैं मुसलसल लगी रहती ना तो वो मैं काम स्लोली भी करना शुरू कर देती क्योंकि मेरा जो दिल नहीं चाह रहा होता ना कि मैं तो थक गई हूँ बस मेरा मुझसे और नहीं हो रहा एंड वैसे भी मैं डायबिटिक हूँ डायबिटिक लोग रिलेट कर सकते हैं वो बहुत जल्दी थक जाते हैं मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया था बट ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे था कि मैं आप लोग से शेयर करूं जरूरी नहीं आपने मशीन बन के सारे काम कर लेने आपने अपने आप को ब्रेक देनी है बिलीव मी आप ज़्यादा प्रोडक्टिव डे गुजारते हैं कंपेरेटिवली स्लो काम करने के और बहुत ज़्यादा काम करने के नेक्स्ट पॉइंट इज गेट सम एक्सरसाइज अच्छा मुझे मैसेज आया था जब मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जब मैं अपसेट होती हूँ तो मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ थोड़ा सा मेरा माइंड चेंज हो जाता है अब मुझे किसी ने कहा कि हमारे घर की सराउंडिंग्स ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हम वॉक कर सकें और हमारा घर बहुत छोटा है जिसमें हम वॉक कर सकें देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ जो मैंने आपको बताया ना और बहुत से लोगों ने कहा मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ या किसी ने मुझे कहा कि मेरे बच्चे जो है ना वो मुझे कर कुछ करने नहीं देते मैंने आपको बताया कि एक घंटा अगर छः बजे सुबह उठ रही हैं पाँच बजे उठ जाएँ वो एक घंटा आपका है वो एक घंटा आपकी ज़िंदगी का आपका है जो हर सुबह आप अपने आप को दे रही है आप वॉक नहीं कर सकती बाहर सराउंडिंग अच्छी नहीं है आपकी ससुराल है ये है वो है सब है आपके पास कोई जगह होगी आप अपनी छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें बिलीव मी एक्सरसाइज करने से ना आप में एक हॉर्मोन्स आते हैं जो कि आपको बहुत मेंटली फ्रेश रखते हैं आपको एक खुशी प्रोवाइड करती है नोट करें मुझे याद है कि जब मैं वॉक नहीं करती थी बहुत पुरानी बात है मैं एक्सरसाइज करती थी अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज करना जब से मैंने थोड़ा बहुत डाइटिंग स्टार्ट की है तो मैं थोड़ा सा ना एक्सरसाइज कर लेती हूँ सुबह उठती हूँ तकरीबन तो पाँच बजे सामने टीवी लगा हुआ होता है और मैं अपने लाउंज में आ जाती हूँ सब सो रहे होते हैं पाँच बजे के करीब सब सो रहे होते हैं मेरे घर में तो मैं अपना सिर्फ एक मेरी बेटी जाग रही थी फज्जर उठती और उसके बाद वो बैठ के अपना अपने कॉलेज के लिए तैयार होती है तो मैं ना अपनी थोड़ी बहुत लगा ली एक्सरसाइज टमी एक्सरसाइज कर ली थाइस की कर ली थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज़ करना चाहिए रात को वॉक करने जाती हूँ तो मैं सुबह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करती हूँ बिलीव मी मुझे इतना फ्रेश फ़ील होता है एक्सरसाइज़ की उसके बाद जाके आप क्योंकि इतनी गर्मी है आजकल आपको पसीने आ जाते हैं पसीने बहुत अच्छे होते हैं आपको बहुत खुशी प्रोवाइड करते हैं आप गए गए नहाए और फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज़ सुबह फ्रेश फ्रेश कर लिया तो जो आपको ये बहाना है कि ये मैं वॉक नहीं कर सकती फ़लाँ है मैं इधर नहीं जा सकती तो सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें जो आपके दिमाग को फ्रेश रखेगा और आपको एक मेंटल ब्रेक देगा इन सारी चीज़ों से नेक्स्ट पॉइंट इज ईट वाइसली हाँ जी रात होती है रात को खाना खा लिया ग्यारह बजे के करीब जी आइसक्रीम खाने चलते हैं फालूदा खाना है मैंने आ, मैंने आ, जो है वो जितनी भी शुगरी स्टफ है ना वो रात को याद आ जाता है सब ये नेचुरल है नॉर्मल है सब सब घरों में होता है बिलीव मी जब से मैंने अपनी रूटीन स्टार्ट की है कि मैं शाम को साढ़े छः सात बजे के बाद खाना नहीं खाती मैं नाइन्टी परसेंट डेज में खाना नहीं खाती बहुत रेयरली होता है कब कभी कुछ जो मैंने अगर कुछ पक बहुत अच्छा से बनाया होता है और मेरे रात का खाने का दिल दिलचार है तो वरना मैं मैं रात का खाना नहीं खाती मैं बिल्कुल छः साढ़े छः बजे के बाद ना कोशिश करती हूँ मैं कुछ खाऊँ ही ना बहुत चाह रहा है ग्रीन टी पी ली देट्स इट चाय भी नहीं नो कैफीन नो टी नो कॉफ़ी दूसरे दिन मैं फ्रेश फील करती हूँ लेकिन जिस दिन मैंने कभी मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ जिस दिन आप सोचिए आप रात को बहुत ही खा रहे हैं आपको रात को पैसे भी नींद नहीं आएगी क्योंकि आपको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है ऑन दी अदर हैंड रात को जो कुल्फ़ी फालूदे आइसक्रीम्स खाने आप मोस्टली लोग चले जाते हैं उससे होता क्या है वो आपकी बॉडी पे इतना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है कि आप दूसरे दिन वो जो जितने सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे ना आपको वो सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो नोट करें जिस रात को आप शुगरी स्टफ़ खाते हैं ये कुल्फ़ी फालूदे आपको रात को नींद भी नहीं आती दूसरे दिन आप लथार्जक भी होते हो आप बेजार होते हो आप किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा था तो प्लीज़ ईट वाइसली वो खाएँ जो आपको हेल्थ के मुताबिक ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खाएँ ग्रीन टीज पिए हबस्कस टी के बारे में बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे वो बहुत अच्छी चाय है मैं पीती हूँ और उसके अलावा कॉफ़ी पिएँ सुबह सवेरे ब्लैक कॉफ़ी पिए नॉट दैट रेड क्रीमी शुगरी कॉफ़ी नहीं मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ अपनी लाइफ से ना जब ये इस तरह की लज्जतों को थोड़ा सा निकाल देंगे ना यू विल फील सो गुड हाँ वंस अ मून मैं भी खाती हूँ आप भी खाएं बट अगर इनको आप एलिमिनेट कर देंगे अपनी लाइफ से आपको बहुत अच्छा फील होगा अपनी बॉडी में भी आपको चेंजेस फील होंगी आपकी बॉडी स्मार्ट होना शुरू हो जाएगी दूसरा ये कि आपको ना मेंटल जो एग्जर्शन है ना वो भी फील नहीं होगी क्योंकि शुगर आपकी बॉडी में बहुत तबाही मचाता है आपको शायद इस बात का पता नहीं पॉइंट नंबर सेवन इज़ लेट गो ऑफ द थिंग्स दैट डोंट मैटर वैसे भी जो uh, लोग सफ़र कर रहे होते हैं मेंटल एग्जर्शन से उनके पास एनर्जी लेवल बहुत कम होता है और अगर और वो लगा किस पे देते हैं ग्लास टूट गया मेट के ऊपर पूरा गुस्सा हस्बैंड ने कुछ कह दिया हस्बैंड पे पूरा गुस्सा बच्चों ने कुछ कर दिया उन पर पूरा गुस्सा और फिर ड्रेन रोक के लेट जाते हैं कि जी हमें कोई हिम्मत नहीं करने की देखें ग्लास टूट गया वो वापस चला गया वो उसी के लिए था मे बी वो अगर ग्रास क्रैक होता और आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता या बच्चों ने कुछ कर दिया या हस्बैंड ने कुछ कह दिया या कोई चीज़ आपके नेचर के खिलाफ हो रही है देखिए ऐसी चीज़ों को ना आहिस्ता आहिस्ता अपने जहन से निकालना शुरू कर दें उनको लेट गो करना शुरू करें खैर है एक वर्ड इट्स ओके खैर है कोई बात नहीं है हो क्या है आपकी जिंदगी इतनी आसान बना देगा ना कि मैं आपको नहीं बता सकती अगर आपकी देखिए बहुत मोस्टली घरों में मैंने देखा है ना कि वो आ, आ, जैसे हेल्पर्स होते हैं या कोई वो ऑब्वियसली वो उनका घर नहीं है वो आपका घर है आप एक्स्ट्रा केयर कर रहे होते हैं बहुत मुश्किल से ग्लास ख़रीदे हैं प्लेटें खरीदी हैं वो उसने तोड़ दी अगर वो टूट भी गई हैं या कोई चीज़ जैसे हेल्पर है उसने डस्टिंग किया है और कहीं पर वो जगह कोना कुदरा छोड़ दिए उसने कोई बात नहीं है अब आपकी नजर गई है किसी और की कि उस पर नहीं जाएगी अगर बहुत आपको इरिटेट इरीटेट करें आप उठ के थोड़ा सा साफ़ कर या आप है कि जी मैं तो उसको पैसे दे रही हूँ तो वो खुद ही आके कर लेगी नेक्स्ट डे उसको बता दें प्यार से बता दें कि चंदा यहाँ पर मार देना कपड़ा दैट इट उस चीज पे अपना खून पूरा दिन जलाना कि कल आएगी तो बोलूँगी या बच्चे ने कुछ कर दिया है कमरे में और फिर सारा दिन गुस्से में सोचते रहना कि जी आएगा बच्चा स्कूल से तो मैं ये कर लूँगी या मैं उसको इस तरह डांटूँगी या हस्बैंड ने इस तरह मुझे क्यों बोल दिया या हस्बैंड ने चीज़ उधर क्यों रख दी आप ना मैं एक बात बताऊँ चीज़ों को लेट गो करना सीखें खैर है कोई बात नहीं है आपकी सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है सीरियसली कोई चीज़ मैटर नहीं करती सिर्फ आपकी सेहत मेंटल एंड फिज़िकल बोथ ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं ऐसी नेगेटिव चीजों से ना अपनी सेहत को और अपने मेंटल लेवल को दूर रखें जो कि आपको ड्रेन कर दें जो कि आपको थका दें ऐसी चीजें आपको थकाती हैं गुस्सा आपको थकाता है ये बात याद रखिएगा सो कोशिश करें कि आपने ना गुस्से में नहीं आना कोशिश करें कि आपने चीजों को ना लेट गो करना है ओके ठीक है हो गया तो चलो खैर दफा करो नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी इट इज मेक अ मेकुअल बिफोर गोइंग टू बैट ये बातें मैंने आपको पहले भी बताई है रात को दस बजे बेड पे जाते ही अपने साथ एक डायरी रख लें सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें कल मैंने ये ये काम करने हैं जो भी काम आप भूल भी हुए हैं ना रात को आपको याद आ जाएंगी लिख लें ताकि नेक्स्ट डे आपको पता हो कि क्या पकाना है क्या करना है बाहर ग्रॉसरी क्या लेकर आनी है क्या ग्रॉसरी ख़त्म है जो चीज़ भी आपका स्केचुअल है वो बना के सोएं तो इतनी पीसफुली आपको नेक्स्ट डे दे गुजरेगा कि मैंने सारा स्केचुअल बनाया हुआ था और अब मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेलीकेट डेलीकेट मतलब ये कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने अपने ऊपर ही ली हुई होती हैं uh, घर को सही करना बच्चों को ठीक करना यानी कि वो हम अगर कोई समझे ना समझे अपने ख़ुद भी समझा हुआ होता है कि ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट अ मशीन आपके बच्चे छोटे मैं आपको यकीन नहीं आएगा मेरी uh, लाइक मेरे बच्चे जब पाँच साल और सात साल के थे लाइक जैसे कोई प्ले प्ले ग्रुप नहीं uh, लाइक प्रैप और क्लास वन के वो अपने टॉयज़ खुद समेटते थे मैं नहीं समेटती थी, थी उनके टॉय तो और ना कोई हेल्पर समेटता था उनको पता होता था कि ये टॉय हमने निकाला है इससे हमने खेलना है और उसके बाद हमने अपना पूरा कमरा सही करके रखना है मेरी अम्मी और मेरी बहनें जब आती थी और ये नहीं कि मैं उनको डांट टपट करके करती थी उनको पता होता था उनको बताया गया था कि बेटा आपने खेला है अब कोई और आपकी चीज़ नहीं उठाएगा आपने खुद करनी है तो मेरी अम्मी और मेरी बहनें बड़ी हैरान होती थी क्योंकि अगर आप आपके बच्चे बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे एक मोल्ड में डाल रहे हैं जैसे ये ट्रेन करेंगे वैसे ही वो ट्रेन होंगे तो अगर आपने अपने बच्चों पर थोड़ी जिम्मेदारी उनके कमरे की छोटे से टाइम से डाल दी तो अभी अब मेरे बच्चे टॉइस से नहीं खेलते वो सुबह अब मेरा बेटा अपना कमरा खुद ठीक करता है बेटी मेरा अपना कमरा खुद ठीक करती है अपनी कबर्ड्स खुद ठीक करते हैं तो क्या अब ये जिम्मेदारी भी अगर मेरी होती ना कि फिर आप क्या जवान बच्चे हैं बड़े हो गए हैं फिर भी मैं इनके काम करी वो ये होता है कि जब आप उनको नहीं बताएंगे वो नहीं करेंगे आप अपनी मेड को थोड़े से पैसे दे दें जैसे कोई बैल्कनी है वो आपने धुलानी है या कोई जगह आपने सही करवानी है आपसे नहीं हो रही आप अपनी मेड को कहें चलो मैं तुम्हें थोड़े से पैसे और दे दूंगी तुम ये मेरे साथ करा लो तो क्या होगा आपका जो काम है वो बट जाएगा और जब काम बट जाएगा तो आप मेंटल स्ट्रेस से नहीं गुजरेंगी और वो चीज़ देख रही है आपको कि जी अभी करने वाला काम है तो मैं अकेली देख देख रही हूँ अब मैं कर नहीं सकती और मेरे साथ कोई है नहीं और फिर बाद में ना वो सिंपथी कार्ड स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं तो अकेली हूँ मेरे साथ करने वाला नहीं है सो so, लोगों में जिम्मेदारियां बांटे अपने आप को थोड़ा सा जिम्मेदारियों से, से बाहर निकाल लें लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मॉनिटर योर सेल्फ टॉक हम अपने आप से बातें करते हैं अपने दिमाग में सोचे लेकर आते हैं और नेगेटिव सोचे बहुत जल्दी आती हैं ट्राई करें कि नेगेटिविटी अपने माइंड में मत लेकर कराएँ ट्राई करें अपने बच्चों की तरफ ध्यान लगाएँ अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बढ़ाएं उनके साथ बैठ के उनके शौक़ के मुताबिक बातें करें जब बच्चे टीन एजर्स हो जाते हैं ना उनको अपना फ्रेंड बनाएं ना कि वो दूसरे बच्चों के साथ बैठ के बातें डिस्कस करें वो आपके साथ डिस्कस करें मेरे दोनों बच्चे माशा से दे आर सो क्लोज विद मी सो क्लोज़ विद मी मैं अपनी बेटी के साथ छोटी सी बात बता रही हूँ मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के, के कोरियन ड्रामा देखती हूँ ताकि आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल ड्रामे नहीं देखती मुझे पसंद ही नहीं है चार पांच पांच किस्तें बस देख लेती हूँ वो खुद भी थक जाती मैं भी थक जाती हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी बेटी के साथ एक क्वालिटी टाइम उसकी शौक के अकॉर्डिंगली गुजारूँ ना कि मैं नेगेटिव सोचती रूँ बेहतर है कि मैं उसके साथ गुजारूँ मेरा बेटा प्ले स्टेशन की गेम्स खेलता है वो मुझे आके उसकी स्टोरी सुना रहा होता है मम्मा जैसे गॉड ऑफ़ वॉर वो खेलता था वो मैं उसके साथ इतने शौक से देखती थी मुझे वैसे भी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन गेम वो खेलता था बट मैं उसके साथ बैठी भी होती थी अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारें छोटे बच्चों के साथ तो देखिए आप कलरिंग कर लें बट लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो उनके शौक के मुताबिक उनके साथ टाइम गुजारें अपनी बेटियों को कपड़े डिज़ाइन करने में अपने साथ शामिल करें अपने बेटे को ड्राइविंग करने में अपने साथ शामिल करें कि चलो बेटा लेट्स ड्राइव आई कैन नॉट ड्राइव यू ड्राइव उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालें अपने बच्चों पर इंटरेस्ट दें नेगेटिव नेगेटिव थाट्स को ना एक तरफ परे करते हैं अपनी ज़िंदगी से बिलीव में ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको टेन पॉइंट्स बताए हैं ये सारे आपको हेल्प करेंगे अपनी मेंटल एक्सर्शन से दूर करने के लिए और आपको एक मेंटल ब्रेक मिलेगा और आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल अगर आप नहीं रखेंगे कोई और नहीं रखेगा आपको सब पागल करने में ज़रूर माहिर होंगे बट अपने आप का ख्याल आपने रखना है ये बात कभी नहीं भूलनी आपने कभी भी नहीं सो होप आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत प्रोडक्टिव लगा होगा बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा और उम्मीद है कि आप लोग इन सारे पॉइंट्स पे आज का बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग था आप इन सारे पॉइंट्स पे काम करेंगे ताकि आपकी जिंदगी आसान बने सो so खैर ये था मेरा आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग टिल देन टेक केयर एन हाफि